नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम उन्माद, सन्निपात, पागलपन, इंटोक्साइकेट रोग के 16 लक्षण और 18 प्रभावी उपचारों के बारे में चर्चा करेंगे। बुद्धि का नाश, मन की अस्थिरता, दृष्टि की व्याकुलता, काम आदि में अस्थिरता आदि की शून्यता और बिना संबंध बोलना, अनर्थ प्रलाप आदि उन्माद रोग के साधारण लक्षण हैं। इस रोग में अच्छा बुरा अथवा सुख दुख आदि का ज्ञान और स्मरण शक्ति आदि का बिल्कुल नाश हो जाता है। उन्माद, सन्निपात, पागलपन का पहला लक्षण बातज उन्माद है। सन्निपात में निष्कारण, हंसना, नाचना, गाना, बकना, बकबक करना, शरीर मोड़ना, रोना, शरीर पतला हो जाना, रूक्ष और लाल होना, खुराक पचते समय रोग का बढ़ना, ये लक्षण प्रकट होते हैं। दूसरा लक्षण पित्तज उन्माद में असहनशीलता, दुष्टता, क्रोध, चिल्लाना, दौड़ना, नग्न होना, शरीर में दाह यानी जलन, छाया में रहना और ठंडा शीतल पदार्थ खाने पीने की इच्छा होना। चमड़ी, पेशाब, आंख और शरीर का रंग पीला होना, ये लक्षण प्रकट होते हैं। तीसरा लक्षण कफज उन्माद का सन्निपात में थोड़ा बोलना, जड़ जैसा होना, अरुचि, भोग भोगने का आग्रह, एकांत में रहने की इच्छा, ज्यादा निद्रा, मुख में से लार गिरना, उल्टी, बमन, चमड़ी, आंख, पेशाब व शरीर का रंग श्वेतांश होता है एवं जमने पर रोग की वृद्धि होना, ये लक्षण प्रकट होते हैं। चौथा, विवाद, खिन्नता आदि के कारणों से उन्माद रोग हो तो रोगी को अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता है, बहुत अति गोपनीय बात को भी प्रकट कर देता है और कई बार गाता है, कई बार हंसता है। उन्माद का पांचवा लक्षण विष अथवा विष युक्त पदार्थ के खाने से एक प्रकार का उन्माद रोग होता है, जिसमें रोगी की आंखें लाल, मुख काला रंग का होता है, मन में कायरता, बेजान, बल इंद्रियों की शक्ति व शरीर की शक्ति का तेज नाश हो जाता है। छठवा, असाध्य लक्षण, कोई भी कारण से उत्पन्न उन्माद रोग में रोगी हमेशा मुख ऊंचा अथवा नीचा रखता है और अति अशक्ति के कारण दुबला हो जाता है। निद्रा बिल्कुल नहीं आए तो वह रोगी शीघ्र ही मरण की शरण में जाना संभव है। इन सभी उन्माद रोगों के उपरांत सातवां लक्षण भूतोन्माद नाम का दूसरा एक प्रकार का उन्माद रोग होता है। शरीर में भूत आदि व्यंतर देवों का प्रवेश होने से यह उन्माद होता है। साधारण रीति से इस रोग में रोगी बल, समझ शक्ति, वाचा शक्ति, तत्व ज्ञान और कर्तव्य आदि का ज्ञान अलौकिक रीति से सभी पलायमान हो जाती है। आठवां लक्षण देव ग्रहावेश हुआ रोगी हमेशा संतुष्ट, शुद्ध आचरण वाला, निरालसी, शुद्ध संस्कृत बोलने वाला, तेजस्वी, स्थिर दृष्टि युक्त, वरदान करने वाला और ब्राह्मण पर प्रीति करने वाला होता है। उसके शरीर में से दिव्य सुगंध निकलती है। नौवा, असुर, ग्रहावेश हुआ रोगी के शरीर में पसेव युक्त, कुटिल दृष्टि युक्त, निर्भयी और दुष्ट आचरण वाला होता है। यह रोगी देव, ब्राह्मण, गुरु आदि की निंदा करता फिरता है और फिर बहुत खाता पीता हुआ भी अतृप्त ही रहता है। दसवां, गंधर्व, ग्रहावेश वाला रोगी नदी किनारे अथवा पानी में फिरता है और प्रसन्न मन वाला, शुभचारिणी, नृत्य गायन पर प्रीति रखने वाला एवं गंधमाला आदि प्रीति रखने वाला होता है। ग्यारहवां लक्षण यक्ष, ग्रहावेश वाला रोगी लाल आंख वाला, रक्त वस्त्र पहनने की इच्छा वाला, गंभीर,
स्वभाव वाला, शीघ्र चलने वाला, कम बोलने वाला, सहनशील एवं तेजस्वी होता है और हमेशा किसको किस प्रकार दान करूं ऐसा फिरता है। पितृ ग्रहावेश वाला रोगी पितृ भक्त और शांत चित्त होता है। पिता माता को पिंड दान करने वाला और मांस, तिल, गुड़, दूध, चावल आदि खाने की इच्छा करने वाला होता है। 13वां नाग ग्रहावेश वाला रोगी कभी कभी सर्प की तरह छाती घिसकर चलता है। जीभ से होंठ बार बार चाटता है, क्रोध करता है और गुड़, शक्कर की चाशनी, दूध आदि खाने की इच्छा करता है। 14वां राक्षस ग्रहावेश वाला रोगी बेशरम, निर्लज, कठोर, बल पराक्रम वाला, गुस्साखोर, दुष्ट आचरण वाला, रात्रि को भटकने घूमने की इच्छा करने वाला और रक्त, मांस, शराब आदि खाने पीने की इच्छा करने वाला होता है। 15वां पिशाच ग्रहावेश वाला रोगी ऊंचा हाथ वाला, नग्न, दुर्बल, रूक्ष शरीरी, खराब गंध वाला, प्रलापी, गंदा, विरुद्ध चरणी, उजाड़ जंगल में भटकने वाला और योग्य वस्तुओं का अति लोभी होता है। यह रोगी बहुत खाता है और हमेशा रोता फिरता है। 16वां लक्षण भूतोन्माद रोगी फटी दृष्टि वाला, शीघ्र चलने वाला, फैन चाटने वाला, निद्राधीन रहने वाला, जमीन पर गिरकर रोने लगता है तो उसका रोग असाध्य हो जाता है। कोई ऊंचे स्थान से गिरते भूताविष्ट होता हुआ भी वह रोग असाध्य है। 12 वर्ष तक उन्माद रोग शरीर में कोई भी रोग निवारक सभी उपाय न किया हो तो सभी प्रकार का उन्माद रोग असाध्य हो जाता है। उन्माद में पथ्य, वातानुलोमन, धर्म ध्यान, यज्ञ, पूजा, शांति, कर्म आदि करना चाहिए। अपथ्य, मध्य, विरुद्ध आहार, उष्ण भोजन, निद्रा, भूख तथा प्यास, त्रशा के वेग को रोकना, व्यायाम, धाक की फलियां, करेला, संपूर्ण पत्र शाक, तिक्त द्रव्य तथा बिंबी फलादि। उन्माद, सन्निपात, पागलपन, इंटॉक्साइकेट के उपचार के हम यहाँ पर 18 प्रभावी उपाय बता रहे हैं जो कि क्रमानुसार हैं। पहला, जायफल 9 ग्राम, पीपला मूल, इंद्रजौ, सौंठ, चिरायता, काली मिर्च, पीपल, कांकड़ा सिंगी, पोहकर मूल, कटेली, अजमोद, बच, रासना, चब्य, इन सभी द्रव्यों को 9-9 ग्राम इकट्ठा करके कूट कर खुराक 10 ग्राम लेकर 300 ग्राम पानी में औटाने के पश्चात पीने से अत्यंत लाभ होता है। इससे सन्निपात, अज्ञानता, पसीना, अस्थाई, शीत, उदरसूल, अभास, अंतवात, कफ के सब रोग मिटते हैं। दूसरा उपाय, पेन किलर की 9 बूंद पानी में या खांड में मिलाकर पिलाएं या घंटे घंटे से चटाएं तो सन्निपात मिट जाता है। तीसरा उपाय, सीख में रुई लपेट और उसे अमृत धारा में भिगो, थोड़ी थोड़ी देर में चुसावें तो सन्निपात मिट जाता है। चौथा उपाय, पोटास आयोडाइड 5 रत्ती को 30 ग्राम पानी में मिलाकर पिला दें। दिन में 2 या 3 दफा पिलाएं तो सन्निपात अवश्य मिट जाता है। पांचवा उपाय, काला रस 1 रत्ती, सौंठ 3 ग्राम, लौंग 9 नग और सौंठ को पीस गरम कर काला रस मिलाकर पिलाएं। तीनों वक्त पिलाएं और 3 दिन तक अन्न आदि कुछ ना दें तो सन्निपात मिट जाता है। छठवां उपाय, सितावर, नागौरी असगंध, मिश्री, सौंठ, बिदारी गंध, ये सभी 10-10 ग्राम मिलाकर जल के साथ दें। सातवां उपाय, 6 ग्राम मलेठी को घिसकर चाशनी मिलाकर 7 दिन तक खाने से और दाल, चावल, कड़ी आदि खाने से उन्माद, पागलपन खत्म हो जाता है। आठवां उपाय, ब्राह्मी 10 ग्राम, सौंठ 5 ग्राम, लौंग 9 ग्राम,
ग्राम इनको 300 ग्राम पानी में औंटाएं। जब 100 ग्राम जल शेष हो जाए तब पिला दें। सुबह शाम पिलाने से सन्निपात अवश्य दूर हो जाता है। नौवा उपाय, सौंठ 10 ग्राम को 1 किलो पानी में औंटाएं। 300 ग्राम पानी रहे तब उसे उतार कर छान कर लेवें। रोगी को उस पानी में थोड़ा पिलावें और लंगन करावें। कुछ ना खिलाएं तो सन्निपात दूर हो जाता है। दसवां उपाय, पारा, सिंगी मोहरा, काली मिर्च, नीला थोथा, ये सभी 12-12 ग्राम, इन सबको पीस छान कर धतूरे के रस में मिलाकर टिकिया बना लें। इससे अत्यंत लाभ होता है। 11वां उपाय, सफ़ेद तुलसी, कुष्मांडी और हरने संभाग में चूर्ण लेकर पानी में बांटकर शरीर पर मर्दन करने से उन्माद सन्निपात मिट जाता है। 12वां उपाय, शिरीष पुष्प, सौंठ, श्वेत सरसों, बच, मजीठ, हल्दी और पीपल, ये सभी चीज़ें बकरी के दूध में बांटकर गोली बनाएं। छाया में सुखाकर इस गोली को सुखा देने से उन्माद रोग मिट जाता है। 13वां अचूक उपाय, पुराने घी में दसमूल क्वाथ अथवा पुराने घी में सफ़ेद सरसों का चूर्ण अथवा सम मात्रा में पुराना घी उन्माद रोग को नाश करता है। 14वां सरल उपाय, ताड़ की शाखा का रस पिएं, सरसों के तेल को सुखाएं और सरसों का तेल शरीर पर मालिश करने से अत्यंत फायदा होता है। 15वां उपाय, पीपल, काली मिर्च, सेंधा नमक, चाशनी शक्कर की और गौरोचन, ये सभी चीजें आँख में आंजने से भूतावेश कृत उत्पन्न सर्व प्रकार का प्रबल उन्माद रोग मिट जाता है। 16वां उपाय, सफेद सरसों का उत्तर तरफ का मूल 1 तोला, चावल 4 तोला और दूध आधा शेर, इसमें गुड़ और घी डालकर खीर तैयार करें। इस खीर को खाने से सभी प्रकार का उन्माद अवश्य नष्ट हो जाता है। 17वां उपाय, निम्ब पत्र, बच, हींग, सर्प की कांचली और सरसों, इन सभी वस्तुओं की धूप देने से डाकनी आदि का आवेश और भूतोन्माद नाश हो जाता है। 18वां अंतिम और प्रभावी उपाय, कोई प्रिय वस्तु के नाश होने से उत्पन्न उन्माद रोग में वैसी ही दूसरी वस्तु धीरज और हिम्मत देना आदि क्रियाओं से रोग मिटाने का यत्न करें। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।